मुखिया साहब जो है खिताब करके चले गए हैं और यहाँ पर कारकुनों की लड़ाई हो चुकी है। बरयानी हमारी चेक कर लें। बाढ़ रही है। कैंडिडेट भी तशरीफ ला चुके हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। अहलाओं व सहलाओं व मरहबा, ये खुश आमदीद ये वो तशरीफ लाए। हम आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतनी देर तक इंतज़ार किया। बिलखसूस अभी मैं दावत सुखन लेता हूँ चौधरी मोहम्मद नवीद कानू साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल शुक्र के साथ ही आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आज मोहम्मद पना मोड़ पर जो है मौलाना फजल रहमान की टीम के कारकुन आए हुए हैं, देखते हैं उनकी स्पीच क्या क्या इरशाद फरमा रहे हैं। और अगर तू अपनी किताब को सीने से लगा तू भी आग में, मैं अपने कुरान को सीने से लगाता हूँ मैं भी उस मकाम पे जाके फैसला करेगा। अगर कुरान सच्चा है तो मैं बच जाऊंगा, अगर तुम्हारी किताब सच्ची है तो तुम बच जाओ। तो मेरे मोहतरम ये जो आपका जो जमीर है इस बात का फैसला वो ही करेगा। अगर कुरान से मोहब्बत है, निजाम इस्लाम से मोहब्बत है, अजी अगर दीने मोहम्मदी से मोहब्बत है, महबूब के अमाल से मोहब्बत है, महबूब के फरमान से मोहब्बत है और निजामे मुस्तफ़ा से मोहब्बत है, कलामे मुस्तफ़ा से प्यार है तो फिर कुरान प्यार है। इसलिए कुरान कहता है कि तबत्तुल अमानाती इला अहलिया, कि तुम्हारे वोट का इंतखाब, तुम्हारे वोट का फैसला तुम्हारा अपना जमीर करे। क्यों? मुस्लिम लीग को भी आजमा चुके, पीपल्स पार्टी को भी आजमा चुके, आजाद लोगों को भी आजमा चुके हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कोई पैदा हो जाए तो आजाद के लिए मौलवी, निकाह के लिए मौलवी, बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए मौलवी, बच्चे को कलमा पढ़ाने के लिए मौलवी, दीन सिखाने के लिए मौलवी। और अगर कह दिया जाए वोट, कहता जी मौलाना का क्या काम है वोट? अरे वोट लेना तुझे सैयदना सिद्दीक अकबर ने समझाया, वोट लेना तुझे सैयदना फारूक आजम ने समझाया, वोट लेना सैयदना उस्मान ने समझाया, वोट लेना तुम्हें सैयदना अली ने समझाया है। अगर महबूब की खिलाफत न होती तो कुछ भी ना। इसलिए कुरान कहता है कि तवक्कुल इला अहलिया, तुम्हारे वोट का फैसला तुम्हारा अहल करेगा, तुम्हारा जाती जमीन करेगा। अगर इखलासन कुरान से प्यार है, अगर एक ईमान की सूरत में महबूब से प्यार है तो फिर तेरे वोट का हक कुरान रखता है। अगर कुरान पे तेरा ईमान नहीं तो फिर तुम्हारे वोट की भी हमें जरूरत है। ये रिश्ता तो इसीलिए बनाया है कि कुरान ने कहा कि इतना मन मुख्य मुसलमान मुसलमान का भाई, भाई का भाई पे हक है। इस हक को सामने रखते आपकी खिदमत में आज के दिन की जो हाजिरी है, ये बार बार निजाम नहीं आजमाया जाता, एक ही बार, बल्कि मोहर लगाते हुए भी ख्याल करो। बसाओ का तो मोहर लग सही जाती है लेकिन पर्ची के लपेटने में ही वोट लाया हो जाता। जिस जगह पे किताब का निशान है उस पे मोहर लगाओ और उसको आधा इस साइड आधा इस साइड करके बंद करो।
फिर उसको दूसरी साइड बांध करके इसमें डाल, ताकि तुम्हारा वोट साया ना हो। क्यों? ये ईमान का फैसला। बसाओ का लोग घर में बैठे हुए ये फैसला करते हैं कि हमारे वोट का कोई भी हक नहीं रखता, हमारे वोट का कोई भी हक नहीं रखता। लेकिन कुरान कह रहा है कि तबत्तुल अमाना की इला अहलिया, ये तुम्हारे पास वोट अमानत है इसका अहल भी। अगर तुम इसे अहल नहीं बना, माजल्ला माजल्ला कुरान ने गलत, अगर नबी के फरमान को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तुम लोग सामने रखते हो तो फिर कुरान हक रखते। जिंदगी में कई मरतबा मुस्लिम लीग को भी आजमाया है, ट्रिपल्स पार्टी को भी आजमाया है, आजाद लोगों को भी आजमाया है, आज कुरान को भी आजमा के। जहाँ कुछ भी न था कुरान, वहां इंकलाब ले गया। उसने कई लोग जो जहन्नम के हकदार थे उसे जन्नत का मालिक बना के दिया, कई लोग जो कलमा ना डालते थे अल्लाह के महबूब ने उन्हें इमाम बना के खड़ा कर। मेरे भाई, अगर तुम ये अपने आप को अहल समझते हो तो अपने घर में बैठ के फैसला करके देख लो। अगर तुम्हारा ईमान कहे कि हक तो कुरान का है, तुम्हारा जमीन कहे हक तो कुरान का है, तुम्हारा जज्बा कहे कि हक तो कुरान का है, तुम्हारी मोहब्बत कहे कि हक कुरान का है, तुम्हारा ये अंदाज कहे कि हक कुरान का है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब तो पहले मैं माजरत खां हूं लेट होने की वजह नाल तुसा बिरावां नूं बुजुर्गां नूं इंतज़ार करना पिया। दूसरे नंबर ते मैं शुक्र गुजार हाँ कारी असगर मुआविया साहब, मौलाना अकबर साहब और तमाम अहले इलाका दा कि इन्होंने अपनी काविशां दे नाल इस प्रोग्राम नूं सजाया, लोगों नूं दावत दी, लोगों नूं अवेयर करन वास्ते, इन्हां नूं दसन वास्ते कि हमेशा सिर्फ गली सड़क और खंबे वास्ते वोट ही नहीं बल्कि दीन इस्लाम के निफाज वास्ते भी वोट देना चाहिए। सारे पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पंजाब और सिंध के अंदर इको ही आवाज सुनना आती है भी साढ़ा काम नहीं करते, असं उन्होंने देना है जितों सू फायदा लगेगा। तो दुनियावी फायदा इन्हों को ना दुनियावी सू ल ना उखर भी लगना। अज तक असी 75 साल इन्हों को की फायदा लै लें जाती तौर पर कुछ चीजा जेड़िया उन्होंने मजबूरिया होंगे ने उन्होंने करना ही करना। क्या तुसी किसी भी वक्त अपनी जात वास्ते उन्होंने को कुछ लै सके हो? जो नहीं लै सके तो फिर दीन इस्लाम के निफाज वास्ते काम करने वाली जमात को आजमा के वेखो, इंशाल्लाह तुहाडे दीन की भी हिफाजत करेंगे और तुहाडी मईशत की भी हिफाजत करेंगे। तुहाडा एक एक रुपया तुहाडा जेड़ा ना ओदी हिफाजत करेगी। कोई चोर हाथ पाने लगे सोचेगा कि मेरा हाथ कटिया जाएगा, कोई डाकू ओदे डाका मारन लगे सोचेगा कि मेरा मेनू कतल कर दिता जाएगा। इंशाअल्लाह जो तुम उलमा के नुमाइंदा उलमा की जमात को मजबूत करोगे ये इंशाअल्लाह कुफर भी जरा नाकाम होएगा। ये जंग ये साड़ी लड़ाई कोई इतने मकामी पार्टियां नाल नहीं होंगी मजहबी लोगों की, एक कुफर नाल जंग होंगी, कुफर और इस्लाम की जंग। के कुफर ने इस वोट के जरिए फैसले करने होंगे ने कि इस मुल्क के अंदर कितने लोग की चीज़ पसंद कर रहे हैं। जो तुम उन्होंने किताब से मोहर ला के दसोगे कि असी एक आलिम नूं इत्थे वोट दिता सी, इत्थे दीन इस्लाम वास्ते काम करने वाली उलमा की जमात नूं वोट दिता सी, तो उत्थे उन्होंने जिहड़ा ना खतरा लायक हो जाएगा कि इत्थे ते भाई इस्लाम नूं पसंद करने वाले लोग मौजूद।
मैं बुजुर्गों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करता और उम्मीद रखता कि यह साड़ी हौसला अफजाई फरमाएंगे। असी थोड़े बच्चों वर्गे हैं, भाइयों वर्गे हैं, तुसी सानू इंशाला मजबूत करोगे, असी इंशाला तुहाडे वास्ते दिन रात हाजिर होवांगे खिदमत वास्ते। इंशाला सफेद पर्ची छोटा वोट जिहड़ा ना किताब ते मोहर ला के सानू मजबूत करो, असी इंशाला तुहाडी आवाज हुक्मे बाले तक पहुंचावांगे। चावलों पे लड़ाई हो चुकी है जी, बिरयानी पे, बिरयानी पकी हुई है जी यहाँ पे। ओए होए 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 होए।